ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवल हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साहिबां दी पावन गोद विच सुभाईमान सतसंगी प्यारियो, अज दा दिहाड़ा बहुत ही इतिहास विच अहमियत रखण वाला है। बड़ा सुभागा दिन है। आओ सब तो पहला अपने आप नूं सतगुरु जी दे चरणों विच जोड़िए अते धन धन सतगुरु गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दे। अज पावन पवित्र प्रकाश दिवस है, उस गल की समुची मानवता नूं, समुची मनुखता नूं लख लख बधाई होवे। करो बिरतियां एकागर, सब तो पहला गुरु फतेह जी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला पहल, जो धरती के तख्ते ते मनुख कुछ अपनी वसों बना के रहन लगा, एक दूजे दे सहयोगी बन के जीण लगा, जिंदगी दे खतरियां नूं, जिंदगी दियां दुश्वारियां नूं, जिंदगी दियां औकड़ां नूं इकट्ठे होके हल करन लग पए। इस तरह विचरदियां कोई कोई कम कर लेंदा सी, कोई कोई कम कर लेंदा सी, किसे दियां बाहां विच ताकत सी, वह लड़ाकू वृत्ति का बन गया। किसे दी दिमागी ताकत ज्यादा सी, वह सियाने लोकां विच गिणिया जाण लग पिया। किसे दे कोल घरोगी कम्मां दी हिम्मत बहुती सी, वह थोड़ा जा खेती दे कम्मां विच जा आम घर दे समाज दे निक्के मोटे कम्मां विच लग गया, पर यह सिर्फ कम दी वंड सी, होर किसे गल दी वंड नहीं सी। समय के मुताबिक जेड़े दिमागी ताकत वाले लोग सन, वह पहला सियाणप तो कम लेंदे रहे, मुड़ के चलाक हो गए। देखो, चलाक होना ते सियाणा होना दो वक्खो वक्खरे शब्द ने। सियाणे बंदे संसार की झोली विच कुछ पाया करते ने, चलाक बंदे किसी का जीवन दुखी करिया करते ने। उन्होंने चलाकी दे नाल अपने आप नूं उत्तम समझ के बैठ गए और किसी नूं खत्री बना दिता, किसी नूं शूदर बना दिता, किसी नूं वैश बना दिता, आप उत्तम बन के बैठ गए। और यह गल भी प्रगट कर दिती, जे कल धर्म के नियम बनाने ने, जे इंसानियत के नियम बनाने ने, वह भी तुसी मैनू पुछ के बनायो। जे मैं हो धर्म की गल कर सकना, मैं हो रब की गल कर सकना, मैं हो ब्रह्म की गल कर सकना, कोई इतराज नहीं सी। रब की गल सुननी किसी को भी सुनी जा सकती है, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई भी हो सकता है। पर मुश्किल बड़ी ये बनी, कबीर साहब का एक बचन है, कहिंदे सजना फिर तो कीता की, तू मनुखता नूं कैद कर लिया। ते कैदी दी जिंदगी की हुंदी है, जिहड़ी मालक दे मुताबक चले। एक आजाद मनुख ते एक कैदी मनुख, दोनों च अंतर की है? वह आजाद मनुख है जिहड़ा अपनी मनमर्जी कर सकदा है, जिहड़ा कैदी है उहने हर सवास भी किसे दी आग्या नाल लैणा।
कबीर साहब का वचन कह लगा स कबीर कागज की ओबरी। कागज शब्द का अर्थ किया तेरे धार्मिक ग्रंथ। प्रोफेसर साहब सिंह जी होना ने ओबरी कहते ने कैदखाने तू अपने धार्मिक ग्रंथां एक कैदखाना बना दिता। मस के कर्म कपाट मस कहिंदे ने स्याही नूं भाव वह अखरां नूं उन्हां अखरां दा दरवाजा ला दिता उन्हां कर्मकांडां दा दरवाजा ला दिता। अपने धार्मिक ग्रंथां नूं कैदखाना बना लिया जेड़े विच लिखे हुए कर्मकांड ने उन्हां नूं दरवाजा बना लिया। हुण दरवाजा भी तेरी मर्जी नाल खुलदा है दरवाजा भी तेरी मर्जी नाल बंद हुंदा है। होया कि कबीर कागल की ओपरी ओबरी मस के कर्म कपाट पाहन बोड़ी पृथ्वी। बोड़ी दा अर्थ हुंदा डुबो दित्ती। एक पत्थर ने सृष्टि नूं डोब दिता क्योंकि पत्थर कोल तां ज्ञान नहीं सी मिलना धर्म उत्थे रहना सी जिथे ज्ञान हुंदा। कबीर जहां ज्ञान तह धर्म है। पाहन बोड़ी प्रथमी पंडित पाड़ी वाट कहिंदे तू रस्ता ही रब दे घर नूं जाण वाला पाड़ के रख दिता ते अपनी मर्जी नाल लोकां नूं लुट्टण लग पिया। गुरदेव सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उन्हें बचन आखे ने कहिंदे सजना मैं तेनू तेरे ही धार्मिक ग्रंथां विचों मैं तेनू तेरे ही धार्मिक दुनिया विचों मैं तेनू तेरी दुनिया विचों कुछ एक उदाहरणा दे के अज मैं तेनू गल समझाउणी चाहुंदा। तू कर्म कांडा नाल ना जुड़ तू रब की शरण विच आ तू परमेश्वर की गल कर रब की गल कर मैं तेनू तेरे ही धार्मिक ग्रंथां विचों कुछ उदाहरण देनिया ने। एक पाला जो होर समझ लईए क्योंकि शब्द बहुत गहरा है तेनू समझने लई बहुत ध्यान की लोड़ पैनी है। आपां नूं जदों कदे कोई मां कहिंदी है ना भैया देख गुआंढियां दा बच्चा किन्ना चंगा है वो किड्डा लायक है तू नलायक है। हर मां बाप अपने बच्चों नूं अक्सर उदाहरण देंदे ने ते फिर इहदा अर्थ जिहड़ी उदाहरण है इहदा अर्थ यह नहीं है भई जे गुआंढियां दे बच्चे दा नाम राम सिंह है तो मैं भी अपना नाम राम सिंह रख ला। जे गुआंढियां दे बच्चे दे जे वह किहो जे कपड़े पाउंदा तो मैं उहो जे कपड़े पाउण लग जा। मसला इस गल का नहीं है मसला इस गल का भी जिहो जे गुआंढियां दे बच्चे विच गुण ने मैं उहो जे गुण धारण करा। उदाहरण का अर्थ यह होंदा है उदाहरण का अर्थ यह नहीं भी मैं उहो जिहा नाम रख ला। उदाहरण का अर्थ यह नहीं भी मैं उहो जिहा अपने तौर पर अपना पहरावा पावां उवें दा खाणा खावां उवें दा रहण सहण बना ला। नहीं मैं उहो जिहे गुण धारण करा वह ईमानदार है तो मैं ईमानदार बना। उन्हें अपने मापियां का दिल जितया मैं अपने मापियां का दिल जिता होना तो इवें चाहिए सी। सतगुरु ने कृपा की जिहड़ियां गुरबाणी विच उदाहरणां दित्तियां ने ना असी उदाहरणां तो यह नहीं सोचना भई असी उदाहरणां दे वांगू बनना है असी उन्हां विचों दित्ते हुए गुणां नूं धारण करना है। यह गल चंगी किते भी हो सकती। देखो ईमानदारी भावें हिंदू च होवे मुसलमान च होवे जैनी च होवे बोधी च होवे सिख च होवे ईमानदारी तो ईमानदारी है ना चंगा गुण तो चंगा गुण है ना। तो साहब ने फिर कृपा की साड़ी झोली विच चंगे गुण धारण करन दी प्रेरणा देने वास्ते कुछ एक उदाहरण दित्तियां ने। उन्हां उदाहरण की गल भी सांझी करनी है। शब्द की शुरुआत करिए धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का पवित्र शब्द है और इहदे च आईयां होईयां कई उदाहरण ने जिन्हां ने वक्त बहुत लेना है सतगुरु कृपा करदे ने। सोठ राग विच धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे ये अमृत बोल ने लड़ी वार कथा विचों आए ने। मन रे प्रभ की शरण विचारो
कल भी अर्ज की सी, अपने आप न मन की गल की है, और तुसी शब्दों का पल्ला पकड़ के तुरोगे रस्ते ठोकर नहीं लगेगी। कल शब्द आया सी मन दे, कौन कुमत ते लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नहीं कीनी। साहब ने कदे सानू अधूरे राहे बाटे नहीं छड़िया, ते अज हुण ये क्योंकि तुरकी बनी है ते अज उस तो अगला पड़ा है। मना तू शरण रब की किवें लैनी है, तू किवें रब नू अपने हिरदे च ध्याउणा है, उहदा जिक्र है। मन दे कि मेरे मना, क्योंकि काम ते मन दे धर्म कमाउण नाल बनना है। जे तुसी आस रखो भी मेरी थां ते धर्म कोई कमा दे ते बंदे नू बड़ा वड्डा भुलेखा है, मेरी थां ते कोई पाठ कर ले, मेरी थां ते कोई तीर्थ यात्रा कर ले, मेरी थां ते कोई किसे किस्म दा कर्मकांड कर ले ते ओदी प्राप्ति मैनू हो जाए, ये बड़ा वड्डा भुलेखा साडे मन विच। इसे लई हजूर गल तन दी भी नहीं करदे, गल तन दी भी नहीं करदे, क्योंकि कई बारी तन भी धर्म कमाउण लग पैंदा है, तन भी धर्म कमाउण लग पैंदा है। बल्कि मैं बेनती करा, तन ते कमाउंदा ही धर्म है, शरीर इहदा पाप नहीं कमाउंदा। देखो अखां देखदियां ने, यह अपने वास्ते नहीं देखदियां, यह पैरां वास्ते देखदियां ने, किते तैनू ठोकर ना लगे। पैर तुरदे ने वो अपने वास्ते नहीं तुरदे, पैरां दी कोई लोड़ नहीं है, एडे शरीर दा वजन चुकी फिरदे ने, परोपकारी तां करदे ने। हाथ ने दसा नौहां दी मेहनत करदे ने, किन्नी मेहनत करदे ने, कईआं दे हाथ करड़े हो जांदे ने, वो मना हाथ हत्थां दी तां कोई लोड़ ही नहीं है, वह तेरे वास्ते कमाउंदे ने। सारा शरीर ही परोपकार पैसे धर्म कमा रहे हैं, कमा नहीं रहा ते मन नहीं कमा रहा। खैर आप गल नेड़े कर लीए फिर दोबारे। साहब कहने मन रे प्रभ की शरण विचारो, ओ मना तू प्रभु की शरण की विचार कर। अज मैं तेनू ये नहीं कहना चाहता भी तू अज ही आ जा, अज इहदी विचार कर, गुरमत विचार कर करके। एक बेनती विचों होर करदे आ, कई गल्लां चेते आ जांदियां ने, जिहड़ी कौम की आरंभता विचार तो है, जिहड़ी कौम की शाम भी विचार तो है, और उही कौम है जिहड़ी वह विचार नहीं करती। अज असी ना विचार करके अणगिणत मसलियां विच उलझे बैठे हैं। मन दे प्रभ की शरण विचारो, ओ मना तू प्रभु की शरण नूं विचार, तू प्रभु की शरण की गल कर, तू रब की शरण की गल कर, तू निरंकार की गल कर, तू इनू कर्म कांडा विच ना फसा, तू इनू पत्थरां की पूजा विच ना ला, तू इनू कर्म कांडा की दुनिया विच ना रोल। यह ते मनुखा जामा बड़ा उत्तम है, इहदे विचों चंगे गुण धारण करन दी इनू जाग सिखा। चलो ते जो कमाउंदे ने कमाउंदे ने, अज असी कहड़ा छड्डदे आ, माफ करियो जे अज हुण सराधां दे दिन ने, ते चलो दूजे तां कमाउण सो कमाउण। मैनूं आस है भी बहुते सिखां दे घर भी श्राद्ध मनाए जांदे ने, और अजकल जिहड़े लोग मेरी लाइन विच ने, कथाकारां दे विच ने, गुरु घर की सेवा दे विच ने, उन्हां दी कहर वरतिया रहिंदा है, क्योंकि कोई एक दिन कई कईआं दे घर प्रशादे छकणे ने, ते उह जिहड़ी भी गल है उह भलिया, तूं इहनूं प्रशादा छकाउण दी बजाए किते अपनी मां दे कोल घड़ी पल बैठ के उहनूं प्रशादा छका के वेखी, अपने जिउंदे पिता नूं कदे प्रशादा छका के वेखी, अपने लोड़वंद किसे भरा दी मदद करके वेखी, फिर वेखी उन्हां पितरां नूं छकाउण दी लोड़ नहीं। दुनिया दे अंदर जिहड़े बजुर्ग जिहड़े लोक तड़फदे ने, तू कदे उन्हां नूं प्रशादा छका के देख। गुरु घर दी रीत है, गुरु घर ने जिहड़े लंगर लाए होए ने ना, उह केवल पितरां दी याद विच नहीं लाए होए, उह लोड़वंदां दी याद विच लाए होए ने। असी अज भी नहीं छड्डदे। मन दे प्रभ की शरण विचारो, ओ मना तू प्रभु की शरण विचार, तू कुदरत की सेवा विच ना लग, तू कादर की सेवा कर, तू परमेश्वर नूं समझ, कुदरत नूं ना पूज, कुदरत नूं ना पूज। कुदरत नूं तां देख के बलिहारी कुदरत बसिया, इहदे तों आनंद लै, इहदी पूजा ना कर, पूजा परमेश्वर की कर, निरंकार की कर। कुछ एक पंक्तियां तुहाडे नाल होर सांझियां कर लां।
हजूर आखते ने प्रभ की शरण सगल पै आथे दुख बिन से सुख पाया। मन रे प्रभ की शरण बिचारो। एक होर गुरवाक आंदा है, मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई जाके शरण पया सुख पाईए बहुत दुख ना होई। तू किदी शरण विच कदे कबरां ते मत्था टेकदा फिरी जाना, कदे किसे मड़िया मसीतां नूं पूजदा फिरी जाना, कदे किसे पत्थर दीयां मूर्तियां नूं पूजदा फिरी जाना। ओ मना तू प्रभु दी शरण क्यों नहीं विचारदा, तैनूं इस गल ते क्यों नहीं भरोसा आउंदा। गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा इक बचन होर कहिंदे आ, हुण देखो असीं सिख ते गुरु दे कहाउणे पर कम किहो जिहे करने आ। अमृत गुरवाक है बड़ा प्यारा मेरे साहब दी बाणी दा, हजूर आखते ने जो सुख को चाहे सदा। बड़ा सौखा जिहा श्लोक है, कई बारी पढ़िया सुनिया होएगा। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक हर भजमना दुर्लभ मानुख दे। हर एक दी शरण विच भटकदा रहना है, वो भलिया पहला यह तो सोच लै भी उसकी शरण में जाया मैनू सुख की मिलेगा। प्रभु की शरण में जाके देख, सिंह शरण कत जाइए जो चंबक ग्रस है। कच्चियां की शरण में जाना है ते तेनू फिर डर पै उमें दे बने रहिंदे ने। जिहड़ा मालक की शरण में आ गया, परमेश्वर की शरण में आ गया, उहदी जिंदगी दे सारे डर लथ गए। अगली गल करिए हुण, मन रे प्रभ की शरण विचारो। जे सिमरत गणका सी उदरी तां को जस उरतारो। उहदा जस अपने हिरदे च वसा, अपने हिरदे च उरदा मतलब हुंदा है हिरदा, अपने हिरदे च उहदा जस धारण कर। जिहदा सिमरन करिया एक गणका भी अपने जीवन विचों मुक्ति दी दात हासिल कर गई। एक एक शब्द नूं बड़ी तवज्जो दे के गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे शब्द नूं समझण दी कोशिश करियो। जी हुण इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ यह है भई असीं इस उदाहरण विचों गल लैणी है। हुण इह तां स्पष्ट है भी गणका ने, उहदा जिक्र मैं अगे जाके करना है, गणका ने रब्बी आसरा लिया, परमेश्वर दा आसरा लिया। वह पाप की दुनिया नूं छड़ के चंगे पवित्र जीवन वाली बन गई ते संसार विच शोभा दी पात्र बनी। अज उहदा नां धार्मिक ग्रंथां विच अंकित है क्योंकि ने पाप की दुनिया तो तौबा कर लिया। साहब कहने भी तू यह गल ते किसे नूं दसदा नहीं, यह गल ते किसे नूं दसदा नहीं भई वह किहदा सिमरन करके किवें पार होई है। तू ते अपने दुआले गल नूं घुमाई जाना, मैं तेनू तेरे धार्मिक ग्रंथां विचों गल दसना है भई तू आप दस। गणका ने अपने जीवन के पापा नूं छड्ड दिता सी ना। भाई गुरदास जी दे इक बचन बड़ा प्यारा है, उहनूं नाल लैण लग के चलीए। भाई साहब आखते ने, गणका पापण होए कै पापा कागल हार परोता। इन्ने पाप किते, मन लो पापा का हार परो के गल विच पा लिया। इन्ने पाप किते, गणका का मतलब होंदा बेशुभ कर्म करने वाली, मंदे कम करने वाली स्त्री। गणका पापण होए कै पापा कागल हार परोता, महापुरख अचान चक गणका वाड़े जाए खड़ोता। दुरमत देख दयाल होए हथों उसनू दितोन तोता। राम नाम उपदेश दे खेल गए ते पंच सोता। लिब लागी ते स्तोत्यों नित पढ़ाए करे असोता। पतत उदाहरण राम नाम दुर्मत पाप कलेबर धोका। अंत काल जम जाल तोड़ नरक विचना खादो सुगोता। गणका गई बेबान चढ़ नौ नारायण शोत अशोता। नौ नथामे मान मनोता। भाई गुरदास जी ने बचन बख्शे ने और उहदे विच गल समझण की कोशिश करियो। एक दिन उहदे पाप की दुनिया विच कोई अचानक लंघदा दरवेश आ गया। प्रिंसीपल शमशेर सिंह जी होरां ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, कहिंदे एक बारी किसी बेशुभा दे द्वारे ते महात्मा बुद्ध चले गए।
महात्मा बुद्ध गए तो वेशवा ने एक गल आखी, मेरे दर से कुकर्मी लोग तो आते ने, कदे कोई धर्मी बंदा नहीं आया। जे अज तुसी धर्मी आए हो तो मेरे वालों कोई सेवा हो मैं हाजिर है। उन्हें आखिया, बीबा तेरे घर से मैं जरूर आवांगा, पर अज नहीं, वक्त पे तू आवांगा, जदों कदे लोड़ पई ते मैं आवांगा। वह पापण पाप कमाउंदी कमाउंदी इतनी गर्क गई, काया गल गई, लोकां चुक के बाहर लगरों सुट दित्ती। ते अज महात्मा बुद्ध दे कोल आए, जलों पानी नूं तड़प रही सी उहदे मूंह विच पानी पाया, कहण लगे मैनूं पछाण लिया। ओ पापण कहण लगी, गणका कहण लगी, बुरे कर्म कहण लगी, तू अज आया जलों मेरी काया भी साथ नहीं देंदी। ओ कहण लगे, लोक तेरे तन दे पुजारी हो सकदे ने, मैं तेरे मन दा पुजारी है। मैं तेरे कोल विकार दी भावना लेके नहीं आया, मैं तेरे कोल प्यार दी भावना लेके आया। जड़ी बेनती करन लगा सां, फिर दुबारे ध्यान दिओ, कोई अचानक धर्मी पुरख उहदे द्वारे ते जा खलोता। उहने वेख्या पाप दी दुनिया च गरकी होई है, उहने अपने हथों एक तोता दिता। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਸ ਗੱਲ ਤੋਤੇ ਦੇ ਰੱਟਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਮ ਦਾ ਜਮ ਜਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, अज लाभ ए सजना, अज भी तू देख किसे दी धी किसे दी भैन अगर वो गलत कम्मां विच जा रही है, तू फिर बन एक चंगा गुरु का सिख, तू बन एक नेक चंगा सियाणा, ते उहदी धी भैन नूं समझा बचिए, तू इस माड़े पासे ना जाई, तेरे बापू दी पग नूं दाग लग जाणा। जे आपां सारे बैठ के समझावांगे, एक बेनती करें शब्दों को बहुत तवज्जो देके समझियो, जे गुरुदेव ने कदे ये नहीं किया। साहब कहिंदे ने जिहड़े समाज विच तू रहिंदा उस समाज नूं चंगा बना, जे कोई धी भैन गलत पासे जांदी है ते उहनूं इन्ना कु ज्ञान देके इन्ना कु चंगी मत देके समझा, यकीन करके जाणियो, जे असीं सारे चंगे तरीके नाल समझावांगे फिर कल साडी कोई बची नहीं कवेगी भई मैं किसे केसा धारी नाल विआह नहीं करवाउणा। जे असीं चंगे नेक इंसान बन के विचरांगे फिर कोई नहीं कवेगी धी भैन भई मैं किसे अमृतधारी नाल विआह नहीं करवाउणा, फिर नहीं ओह कवेगी भई मैं किसे पतत नाल विआह करवाउणा, ओह कवेगी मैनू माण होवेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दिया सिखा, तेरे दाने विचों मैनू गुरु गोबिंद सिंह दा प्यार नजर आउंदा है, मैनू तेरी कृपान विचों साहबजादे नजर आउंदे ने, मैनू तेरे कशहरे विचों ऊंचा आसन नजर आउंदा है, मैनू तेरा कड़ा पकड़िया होया गुरु गोबिंद सिंह दी बांह पकड़ी हुई नजर आउंदी है, मैनू तेरे रखे हुए केस मैनू रब दा रूप नजर आउंदे ने, रब्बी भाणे विच तुरन वाले आ। जे अज गणका दी साखी तो सिख्या लेनी है, तू प्रभु दे मन दे निरंकार नूं अपने जीवन दा आधार बना के किसे धी भैण नूं अज भी रोक के वेखो, सजना रब तेरे ते खुश हो जाएगा। साहब कहिंदे ने, तेरे धार्मिक ग्रंथ कहिंदे ने भी गणका पापण होके भी उह पवित्र हो गई, उहने रब दी शरण विचार लई, उन्हें रब की शरण विच आ गई, वह परमेश्वर के नाम नाल जुड़ गई। फिर तू हुण भी क्यों मनुखता नूं गलत पासे लाई जाना, हुण भी क्यों रब के नाम नाल नहीं जोड़दा, हुण भी क्यों परमेश्वर का सुनेहा नहीं देंदा। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गणका सी उधरी तां को जस उर धारो रहाओ, अटल भयो ध्रु जांकै सिमरन अर निरपय पद पाया। हुण इक होर उदाहरण है, अटल शब्द का अर्थ हुंदा है ना टालिया जाण वाला, जिहदा सिमरन करके ध्रुव अटल हो गया। देखो ध्रुव सिखी च नहीं होया, भगत ध्रुव सिखी च नहीं होया, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ये बातां ने के सानू समझा रहे ने। उस ने विचार कर रहे, तू रब दे चरणां विच क्यों नहीं मनुखता नू जोड़दा, तू आप कहना है, ये तेरियां कथा कहानियां बनाईयां होईयां ने। भाई गुरदास जी दे कोल फिर दोबारी मैं मदद लेनी चाहुंदा। एक राजा सी उतान बहादुर, उस राजे का नाम सी उतान बहादुर। प्रोफेसर प्यारा सिंह पद्म ने एक ग्रंथ लिखे है, गुरु ग्रंथ संकेत कोश, उदे च ना सारियां गल्लां दा जिक्र भी मिलेगा तुहानू। उतान बहादुर राजा, इहदियां दो राणियां ने, एक दा नाम है सुनीति, एक दा नाम है सुरीची। सुनीति दे घर पुत्र पैदा होया ध्रुव, सुरीची दे घर पुत्र पैदा होया उत्तम। हालांकि औलाद उहदे भी है, पर जिहड़ा सुनीति है वह वड्डी है, ते उहदा जिहड़ा पुत्र है ध्रुव वह वड्डा है। सुरीची बाद विच आई है, ते उहदे घर विच बच्चे का जन्म उत्तम दा बाद विच होया, ते बहुता हक राजे दे राज दरबार दा, बहुता हक उस ध्रुव का बनता सी। हुण ध्रुव नूं ते नहीं ना पता भी मेरा पुत्र मेरा पिता राजा है, उहनूं ते इन्नी गल दा ही पता है ना भी मेरा बाप है ते बाप है। वो बाहरों आया, भजिया, हसदा खेडदा आके अपने पिता की गोद विच बैठ गया, ते नाल जिहड़ी सुरीची है राणी वह कोल बैठी है। उहने ये देखिया भी मेरे पति की गोद होवे, ते मेरे पति की गोद विच मेरी सौंकण का बच्चा बैठा होवे, ते उहने उसे वेले उठा दिता, ते ए चाहत रखी भी मेरा बच्चा तेरी गोद विच बैठे, उत्तम ही मेरी गोद तेरी गोद विच बैठे, ध्रुव ना बैठे। हुण उहदी मां ने चंगी सिक्ख्या दित्ती होई सी भी कोई गल होवे ते तू मेरे नाल सांझी करी। वह भजिया गया मां दे कोल, जाके रो के गल कहण लगा, मां तेरे हालात ते मैं कदों दे देखदा सां, पर मैं अज तेनू पुछण लगा, अज तक मैं तेनू पुछिया नहीं। कोई गल नहीं, जिवें वक्त गुजरिया आपां ने गुजारिया, मैं तेनू पुछना चाहुंदा भई उह जिहड़ी तेरी छोटी राजे दी राणी है, उह ते महलां विच रहिंदी, तू बाहर रहिंदी है, उहदे कोल अनेकां तरहां दीआं सुख सहूलतां ने, तेरे कोल कोई भी नहीं। चलो मैं बर्दाश्त करनी आ संसारियां गल्लां, पर अज जो कुछ वरतिया वह ना बर्दाश्त कबूल है। मैं हसदा जाके बैठिया, तो उन्हें मैनू गोद तो पकड़ के उठाता बांह तो, मैनू दस हुण किहड़े उद्दम दे नाल राज मिले। जे मेरा पिता मेरे नाल अनर्थ कर सकता है एक इस्त्री दे पिछे लग के, वह समुचे राज विच की करदा होवेगा। मैनू दस मैं किहड़े उद्दम नाल राज प्राप्त करा। भाई गुरदास जी दे बोल कहां, ध्रुव हसदा कर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लीता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरेई कीता, डडो लिका मां पुछे, रो के डड्या के पुछण लगा, तू सुहाणी है कि सरीता, सुहाणी हां जन्म दी, नाम ना भगती कर्म दरड़ीता। मां ने आख्या, पुत्रा सीते मैं राणियो, पर मैं रबी इबादत विच नहीं जुड़ सकी, तां मैनू लगदा है राणी होके भी मैं नौकराणियां मंगू है। किस उद्दम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता, परमेश्वर आराधी है जिद्दू होइए पतत पुनीता। चलिया बाहर तप करन, कोए बैरागी मन अतीता, मन विच बैराग धारण करके छड़ के घर दी कारो बहार नूं, रब दी बंदगी वल तुरन लगा है। नारद मुन उपदेशिया, नाम निदान अम्यो रस पीता, पिछो राजे सदिया, अब चल राज करो नित नीता, हार चले गुरमुख जग जीता। कहिंदे भाई गुरदास जी आखदे ने, कहिंदे सजना तेरियां कथा कहानियां ने, भई ओ ध्रुव ने छड़ के घर दीआं गल्लां अपनी मां दे आखे लग के, उहने कोई अपने पिता दे विरुद्ध फौज तैयार नहीं कीती, उहने कोई अपने पिता दे विरुद्ध कोई इहो जिहा कर्म नहीं कीता। सिर्फ एक इंसानियत दी गल नूं पछाणिया, ते उहनूं पछाण के आप इस राह ते तुरिया, ते जगाया लोगां नूं। एक दिन वक्त आया, उहने अपने पुत्र नूं राज दे दिता, ते
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਅਟਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਅਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਅਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਜੋਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪੁੱਛੇ ਭਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਭਈ ਭਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਢੂਹ ਮੰਗੂ ਅਟਲ ਲੋਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਤ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮਨਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਦਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਭਲਿਆ ਭਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਖੱਟ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਯਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹਉਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭੰਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਢਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਫੜ ਲਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਸੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਵਾਂ ਵਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ, ਪੂਰਾ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ
मीह पैन लग पिया, सर्दी होर गहरी हो गई, ते उत्थे सिख संगतां दे रहण वास्ते हजे इन्ना सिलसिला नहीं सी बनिया गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दे वेले। ते ठंड विच कई बजुर्ग, ठंड विच कई बाहरों आईयां संगतां वो दुख महसूस कर रही ने। गुरु घर का एक अथाह श्रद्धालु सिख भाई आदम, बाबा आदम उहदा नां लिखिया है, ते उहने घरों लकड़ा लिया के, इथों तक घर दीआं लोड़ींदीआं लकड़ां भी लिया के और सिख संगतां नूं दित्तीआं, ते किते किते थोड़ी थोड़ी कट्ठियां करके लकड़ां अग जगा दित्ती, ते सिख संगतां कोल बैठ के सेकण लग पईआं। हुण सेवा ते उह है ना जिहड़ी संगत दे काम आ जाए। असी ते माफ करना मैनूं कहण दी आग्या दे लिओ, असी ते चलाकियां बहुतियां करदे हां, सेवा घट करने हां। जिथे सेवा की नहीं लोड़ उत्थे कई कई सेवादार होवांगे, ते जिथे सेवा की लोड़ है उत्थे कोई भी नहीं हुंदा। कई बारी उन्हें सेवा की, गुरदेव सच्चे पातशाह ने पूछा भी यह धूनिया थां थां ते कई थावां ते लगियां होईयां ने, एक केड़े गुरु के सिख ने सेवा की है? प्रमुख सिखा ने दसिया भी है बाबा आदम जी ने सेवा की है। साहब जी होर भी प्यार करन लग पे। आखिरकार वो बाबा आदम जी भी गुरु चरणों के होर नेड़े हो गए, सेवा कर दिया, मन में प्यार जागया, होर नेड़े होए। एक दिन दोवें पति पत्नी संगत में बैठ के कुछ आनंद लेके गए ने। अगे हर रोज जीवन में खेड़ा आउंदा पर अज उदासी आ गई, अज बड़ा मन उदास होया। घर चले गए दोवें, पत्नी भी नहीं बोलती ते पति भी नहीं बोलता, मन उदासिया होया। आखिर पति ने हौसला किया, कहन लगे भगवान ने प्रशादा नहीं छकना? कहनी नहीं, अज दिल नहीं करदा। कहिंदे जिहड़ी गल दिल विच है ना तू कह दे, दस दे। कहन लगी नहीं, दिल विच ते कोई गल नहीं, वैसे ही मन अज पता नहीं क्यों उदासिया लिया। पति कहन लग्या मैं दस तेना उदासिया केड़ी गलों है। जदों आपां दोवें संगत विच बैठे सां, एक परिवार अपने बच्चे नूं लेके आया, ते उन्होंने आके आखिया सी गुरु नूं मत्था टेक। जदों गुरु नूं मत्था टेकिया, गुरुदेव ने बड़ा ही प्यार किया गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह ने। उन्होंने अनाथ की जिंदगी गुजार के वेखी हुई है, जदों कोई मापिया की उंगल पकड़ के आउंदा है ते उन्होंने चाह चढ़ जांदा है, ते उन्होंने आनंद माणिया होया इस गल का, उन्होंने पता है इस गल का। इसलिए वह बच्चे वाल देख के तेरा मन उदास होया ना, वो मापिया ने कहा सी सतगुरु जे दात दिती है इनू जे उम्र देनी है तो नाल एदी चोली विच सिखी भी पामी, नाल एदी चोली विच इंसानियत भी पामी, एक दे धर्म तो टुट के ना जीवे। तेरा मन तां उदास हो गया सी ना भी अपने घर औलाद नहीं, जे किते अपने घर औलाद हुंदी ते आपां भी गुरदेव दे चरणां विच अपने बच्चे नूं लिजा के अर्पण कर दे। ओ घर भी तेरा है, ए तन भी तेरा है, ए मन भी तेरा, ए तन भी तेरा, आ सच्चिया पातशाह बख्शिश कर दे, आ औलाद भी तेरी है। मैं ते चौकीदार है भई, इहनूं चंगा चंगा जीवन दे दईए, तेरे दर ते लेके आया। तेरा मन तां उदास होया ना भी अपने घर औलाद नहीं है। पत्नी दी अखां विचों पानी आ गया, कहन लगी साइया बड़ी बारी इस दिल कमले नूं समझाउनी है, तां की होया? बाकी बड़ा कुछ दिता रब ने, तू शुक्र करना सिख लै, पर यह मनदा नहीं है पति साइया, यह कदे कदाई उबाले खाण लग पैंदा है। मैं भी कदे मां बन के वेखदी, मैं भी कदे अपने कन्नां नाल यह शब्द सुनदी मां, पर साई नूं नहीं मंजूर। कहन लगिया भलीए कल आपां अरदास करांगे। ठीक है, दोए जने आ गए,
गुरु चरणों में खलोते ने, एक दूजे के चेहरे वल वेखते ने, नहीं कुछ कहा, वापस चले गए। पत्नी पुछती तुसी अरदास नहीं कीती? कहन लग्या भलीए मेरी दाड़ी विच धौले बाल आ गए ने, मेरी दाड़ी विच सफेद बाल आ गए ने, ते मेरा जी नहीं कीता, मैं मंगा, मैनू शर्म आ गई। लोग कहणगे अजे तक इन्हां चक्करां विच उलझिया फिरदा है, मेरे कोल मंग नहीं होया, ते तेरे मुंह ते दाड़ी नहीं है, तेरा पता भी नहीं लगना, तू अरदास कर दई, गल ते दोनों दी कोई है ना। दूजे दिन आए, पति पत्नी फिर खलोते ने, पति पत्नी नूं इशारा कर रहा, पत्नी पति नूं इशारा कर रही है, कह फिर बिना होया, बोल फिर बिना होया। सतगुरां ने सिख कोल पुछया, होर गुरु के सिखा कोल पुछया, बाबा आदम अरदास बड़ी लम्मी करदे ने, खलोंदे भी ने, ते तुसी पुछियो भला कोई गल कहण तो संगदे होण, ते कोई ना कोई तमन्ना होएगी। उन्हां सिखां ने कोल बैठ के पुछ लिया, बाबे आदम ने दस दिता, कहण लगे थोड़े दिन होए, पता नहीं क्यों लालसा बढ़ गई, कोई साडे घर भी औलाद होवे। अज तीजा दिन आ गया, फिर पति पत्नी खलोते ने, अरदास फिर ना कर होई, शाम का वक्त होया, सेवा करके घर चले गए, ते अरदास भी नहीं हुंदी, दिल भी उबाले खांदा होवे, ते कुछ समय तो बाद अज फिर मन उदास होया, ते उन्होंने घर विच प्रशाला पानी भी नहीं छकिया, बूहा खड़किया। बाबा आदम भज के उठिया, शायद संगत आईया हो गईया, कई बारी वेले क वेले भी आ जांदियां ने, प्रशादा पानी बनाउणा होवेगा, कोई सेवा मिली होवेगी गुरु दी, अपनी झुग्गी दा बूहा खोलिया, बूहा खोल के वेखिया, ते सामने धन गुरु रामदास महाराज जी खलोते ने, साहबां दे चरणां ते मत्था टेकिया, भुल गया गल नूं मैं किथे बिठावां, घरवाली नूं आवाज मारी, भलीए देख तू गुरु नूं चेते करदी सी, आ वेख मेरा सतगुरु आया। मत्था टेक के दोनों ने एक अर्ज गुजारी, दातिया किसे सेवादार दे हत्थ सुनेहा भेज देना सी, असी भजिया होना सी, ते तुसी गरीब दी कुली नूं भाग लाए ने, हुक्म करो की सेवा साडे लई। साहब हस के कहन लगे, आजम जदों मंगण वाला नाना मंगे, फिर देण वाले नूं आप चल के आना पैंदा है। जदों मंगण वाला ना मंगे, ते देण वाले नूं आप चल के आना पैंदा है। मैं दूजी बेनती भी कर दी, असी करा माता जिया ना बनाया करिए, एक गल हमेशा नोट रखिए, भई गुरु घर विच ओह दवाइयां भी मिलदियां सन, जिहड़ियां शाह जहान दे दवाखाने विच भी नहीं सन होंदियां। यह भी गल चेता रखिए, गुरु घर दे विचों दवाई भी मिली, अरदास भी होई। एक वक्त आया, उन्होंने घर औलाद जन्म लिया, जदों औलाद का जन्म होया, अज वह भी पति पत्नी अपने बच्चे नूं लेके गुरु चरणों विच आए ने। वह दातिया कन्ने जीवन की कहानी ना आखी। मैं एक बेनती होर करा, अज विचों बड़ी बारी वेख्या, जदों अपना जन्मदिन हुंदा ना, ते लोग बड़े मनाउंदे ने, मापे भी उत्साह रखते ने, पर मैं कोई रेहा नहीं वेख्या, जिस दिन माता पिता भैन भरा सके संबंधी ये जन्मदिन मनाउण, भई अज मेरा जन्म गुरु घर विच होया सी, अज दे दिन मैं अमृत छकिया सी, मैं ओ जन्मदिन नहीं मनाउणा जिस दिन मेरा शरीर जमया सी, मैं ओ जन्मदिन मनाउणा जिस दिन मेरा रिश्ता गुरु नाल जुड़िया सी। उस दिन दा कदे जन्मदिन मना के देखियो, उस दिन गुरु गोबिंद सिंह भी खुशियां मनाएगा, अज मेरा पुत मेरे घर जमया सी, अज इहने गुरु गोबिंद सिंह नूं पिता बनाया सी, अज इहने माता साहिब कौर नूं पिता बनाया, ते अज वो तेरिया खुशियां विच गुरु भी शामिल हो जाएगा। असी वो जन्मदिन ते कदे मनाउंदे ही नहीं, माफ करना। अज वो लेके आए ने अपने बच्चे नूं मत्था टेकिया, सतगुरु दाते एक कृपा करी, इहनूं कल्ली लम्मी उम्र ही नहीं,
इनू इना प्यार बख्शीए सिखी कमावे इहदी झोली विच धर्म की दात भी पा देवी मेरे साहबां कृपा कीती रहमत कीती ते उहदा नां रखिया भाई भगतू और वह भाई भगतू लमेरा समा उहदी औलाद भी गुरु घर की सेवा करती रही। अज धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह दा पुरब है। आपां अज दिल तो हिरदे तो चित्तों अंदरों मैनू तो अपने वल वेख के आउंदा है पर मैनू तुहाडा नहीं पता, तुसी मेरे नाल तो सारे ही चंगे हो ना। गुरु हरकृष्ण साहब धन गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच बैठदे हो पर मेरा दिल कहिंदा है किसे अंदर थोड़े होणगे किसे अंदर बहुते होणगे, औगण ते साडे सारिआं दे अंदर ने ना। ते आओ अज दिलों कहिए अज मेरा सतगुरु गलवकड़ियां खोल के बैठा होया है, अज गलवकड़ियां खोल के बैठा होया है ते अज उहदे चरणां विच कहिए हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड बिखै बिख खाही माया मोह परम पै भूले सुत दारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। मैं हुण तेरी शरण विचार ली मन ने प्रभ की शरण विचारो और उहदे चरणां विच उहदी शरण विच आ जाइए। यकीन करके जाणियो जिहड़े मेरे गुरु की शरण विच आ जांदे ने ना इह उहदा सुभाअ है जो शरण आवै तिस कंठ लावै इह बिरध स्वामी संदा। मेरे स्वामी का यह सुभाअ है मेरे मालिक का यह सुभाअ है वो तत्तीवा नहीं जे लगन दिंदा। आओ प्यारियो सतगुरु अमृत बचन बख्शिश करदे ने अटल पयो त्रु जांकै सिमरन अर निरपय पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तैं कागे बिसराया। इवें दे दुखां दा खात्मा करन वाले परमेश्वर निरंकार नूं ओ मना तो क्यों भलाई बैठा है, तू क्यों अपने हिरदे चो बसारी बैठा है। जब ही शरण गही कृपा निध गज गरा ते छूटा। मैं एक बारी फिर तुहाडे ख्याल विच रख लिया गल नूं, इह उदाहरणां ने असी इहदे चो गुण की लैणा है, साडा नहीं वास्ता टू ध्रू नाल, साडा ते नहीं वास्ता भी उहने रब्बी बंदगी कीती ते रब दे चरणां विच जुड़े ते असी इंसानियत राते रब दे चरणां विच जुड़ना। उहने राजनीतिक धक्के दे विरुद्ध अपने आप नूं खड़ा कीता, असी राजनीतिक धक्के दे विरुद्ध अपने आप नूं जागीए। जिथे सिखी दे हक जिथे इंसानियत दे हक लुटे जांदे होवण उत्थे खलोईए पहरा दईए। कोई धी भैन माड़े पासे जा रही, कोई धी पुत माड़े पासे जा रहे है ते उन्हूं चंगी सिक्ख्या दे के गुरमत वाले पासे तोरीए। ते इसे तरह सतगुरु जी ने उन्हें एक अगली उदाहरण दिती है, कहिंदे किसे गंधर्व नूं गंधर्व कहिंदे ने देवतियां दा रागी, उन्हूं सराप मिलिया ते उह हाथी बनिया। जदों पानी पीण लग्या उह तंदुए ने उन्हूं पकड़ लिया, कहिंदे उदों उस हाथी ने भी रब दा नौं लिया ते तनुए दी बुक्कड़ विच्चों निकल गया, उहदे पकड़ विच्चों निकल गया। इह गल्लां सजणां तूं लोकां नूं दसना है भई इवें गज गरा ते छूटा। जे गज गरा ते छूटा सी रब दा नाम लै के फिर तूं इहनूं क्यों दुनिया दे कर्म कांडां विच लाई जाना, इहनूं पत्थरां दी पूजा विच क्यों लाई जाना, इहनूं क्यों नहीं रब दे चरणां विच जोड़दा। तू तो ब्रह्म सी, तू तो ब्राह्मण सी, तेरे को ब्रह्म दीयां गल्लां होनियां चाहीदियां सन, रब दीयां गल्लां होनियां चाहीदियां सन। अगलियां पंक्तियां ने महिमा नाम कहां लो भरनो राम कहत बंधन ते टूटा। महिमा नाम कहां लो भरनो
मैं रब दे नाम दी महिमा किन्नी कु बयान करा, मेरे को बयान नहीं हो सकती। रब दे नाम दी महिमा किन्नी कु बयान करा, वो बयान नहीं की जा सकती। वो एक बारी परमेश्वर का नाम कह के भाव उन्हें रब का सहारा लेके तू कहना तेरिया कथा कहानियां ने भाई वो एदे तो मुक्त हो गया सी। फिर यह बंदे आ तेरे मन विच रब की शरण विच आउण दी तमन्ना नहीं जागदी। अजामल पापी जग जाने निमख माही निस्तारा। कनौज का रहन वाला एक ब्राह्मण सी, पिता बड़ा सियाणा दाना विद्वान सी, पुत्र नूं भी उसे पासे ला दिता। उन्हें आउंदे जांदे अपने उस्ताद कोल सिक्ख्या लैंदे आ। उन्हें उस्ताद ने कहना भी तू शहर वाले पासे ना जाई। मन में एक बारी विचार बनी मैं जाके वेखा उधर मंदे काम करन वाले आंदे घर सन, उन्हां दे चक्करां विच पै गया, किसी वेशवा दे चक्कर च पै गया, जिंदगी दा सरमाया गुजार बैठा है। राजे ने अपने राज विचों कट दिता, बाहर जंगलां विच रह रहे है, बेकारी जीवन सी, घर च दस बच्चे पैदा हो गए। ते आखिरकार एक सियाने बंदे ने गल समझाई, उन्हें उहदा पुत्तर दा नाम नारायण रखिया। नाल गल समझाई, वह सजना तू हजे भी पाप की दुनिया तो तौबा कर लै। उन्हें तौबा की, गुरमुख समझाउंदी है कहिंदे जिस दिन उन्हें तौबा की ते उसे दिन ही उहदी जिंदगी का पार उतारा हो गया, भाव विकारां की दुनिया तो मुक्त हो गया। ओ मना किड्डे ही विकार होवण, जे तू यह सोचदा भी अजामल पापी तर गया ते तेरे पापां दी मुक्ति नहीं होवेगी, तेनू जीवन विच मुक्ति नहीं मिलेगी, तू रब दा ओट आसरा लेके वेख। अजामल पापी जग जाने निमक माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतर सपारा। बस आ तत् निर्णय साहब कहिंदे ने, नानक कहत गुरु तेग बहादुर साहब जी कहिंदे ने, चेत चिंता मन ओ मना तू भी रब की इबादत कर लै, तै भी उतर सपारा, तू भी भव सागर तो पार हो जाएगा। गुरु रामदास जी दे गुरपुरब दियां आपनू फिर दुबारे करोड़ां वारी वधाइयां। मालक दी शरण विच पै जाइए, जिहड़े परमेश्वर दी शरण विच पै जांदे ने फिर उहनां दा जीवन इह लोक सुखी है, परलोक सोहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, भुला ना चितारना जी। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।